अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशारत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बशारत टेक्निकल। दोस्तों, जिस तरह आप इस हेड को देख रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा कि काफ़ी कुछ डिफरेंस लग रहा है इस हेड में। एक तो हमने इसका प्याला जो है बड़ा कर दिया है, हल्की सी कट लगा दिए, जो जेन्युइन हेड होता है उसमें। और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक जेन्युइन हेड है और एक ये बना हुआ हेड है। काफ़ी डिफरेंस आ रहा होगा इसके प्याले में और इसके बालों में, आपको सब चीज़ें डिटेल के साथ बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसमें। दोस्तों, ये जो हमने राइट हैंड में हेड रखा हुआ है, ये हमने बनाया, इसका प्याला बड़ा कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं ये किनारी होती है, ये किनारी हमने इसमें ख़त्म कर दी है बिल्कुल, और जो है वाल को अंदर कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये वाल भी जिन की तरह नहीं लग रहे। और इसमें और इन वाल में क्या क्या फ़र्क है ये भी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है ये जिन वाल है बड़े वाला, और ये जो है ये वाल हमने बनाया है। आपको फोकस करके दिखाता हूँ क्या डिफरेंस आपको लग रही है इसमें, इसके टॉप में। ये एक डिफरेंस वाल है। चलिए आपको छोटा वाल भी दिखाता हूँ, इसमें भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये छोटा वाल है, आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बनाया ये वाल छोटे से थोड़ा सा बड़ा है, जो है काफ़ी फ़र्क भी है इनके वाल में भी और जो है इसके फेस में भी, बिल्कुल ज़बरदस्त बना हुआ। ये हमने जो वाल पिछली वीडियो में भी दिखाई थी आपको, जो हमने करोला की वाल बनाई थी, ये वही वाल है। और जो है इसमें दोबारा हमने ये काम करा है, ये तीन चार दफ़ा हमने ये काम लगाया है। ये बात अच्छी तरह पसंद है, लेकिन इस दफ़ा हमने मज़ीद इस हेड को बड़ा कर दिया। इसके होल आप देख सकते हैं, इसके सीटें आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी कर दी अंदर से। इसका प्याला बड़ा कर दिया ताकि पिस्टन इस किनारे को ना लगे, पिस्टन काफ़ी अंदर तक जा सके, ताकि हमारा कम प्रेशर जो है मज़ीद ज़्यादा हो जाए। आप देख सकते हैं ये किनारी वाल की बिल्कुल नाजुक जगह पर लग रही है, और जो है वाल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये जो हमने जेन्युइन काम करा है, इसमें भी हमने कुछ अलग सा काम करा हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी सीटें बहुत हमने ऊपर करवा दी, इसकी सीटें जेन्युइन साइज से काफ़ी हमने ऊपर करा दी हैं। इसका जो आप सेंटर आप देख सकते हैं, सेंटर में बिल्कुल नाखून जैसा फ़र्क है। इससे पता चलता है कि वाल आपस में कितने नज़दीक है, कितने उठे हुए हैं। ये किनारी जो है आपके पीछे, इससे पता चल जाता है। आप देख सकते हैं कितनी नज़दीक बिल्कुल वाल आपस में काम कर रहेंगे, तो कंप्रेसर भी कितना टाइट होगा इसमें, और वाल भी काफ़ी उठे हुए हैं। और इसके हेड का प्याला भी हमने बड़ा नहीं करा, इसका छोटा करा दिया ताकि मज़ीद कंप्रेसर हो। इसका प्याला हमने बड़ा कर दिया ताकि बड़े पिस्टन यूज़ करने में दुश्वारी ना हो बाइक को। ये जेन्युइन बाइक के लिए, सी डी पिस्टन के लिए, और ये जो है ये एच टू पिस्टन से ऊपर के लिए पिस्टन वाल बनाया है शेड में। ठीक है दोस्तों, और कोई सवाल हो इसके बारे में तो आप जान सकते हैं। अगर किसी भाई को इस तरह का हेड बनाना हो तो भी हम बना देंगे, अगर किसी भाई को ये इस तरह का हेड बनाना हो तो भी हम बना देंगे। हमसे रब्ता कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, और जो है पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आपको मैं सामान अपना केसेस कर देगा, प्राइस भेज देगा कैश कैश पे, तो हम आपको जल्द अज जल्द बना के देंगे। कोई भी पार्ट्स आप किसका चाहिए, गेम वगैरह, फोल वगैरह, पिस्टन वाल का काम हो, कोई भी हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। शुक्रिया।